अस्सलाम वालेकुम, की हाल है? ठीक हो ना? खुश हो? तो क्या हो रही है आजकल? तो आज मैंने लिविक खेले और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। यहाँ पे यहाँ उतरते साथ ही मुझे P90 गन मिल गई। अच्छी है यार, काम आ जाती है मुश्किल वक्त में। सबसे तो पहले ये बंदा आया, ये नहता था बेचारा। ये पहली शुरुआत है वो होने की, स्क्वाड वाइप होने की। ये दूसरा देखो रश करने के लिए आ रहा है। इसको मैंने बहुत ईजी होके मारा। देखो इसकी एक गोली भी मुझे टच भी नहीं कर पाई। और इधर इसकी फौत की होगी। ये तीसरा बंदा है, इसको भी मैंने यहाँ पे मार दिया। अब इनका जो चौथा है ना, उसने पहना होगा मम्मी सेट, वो होगा फुल हैवी बंदा। यार मैंने खुद से कहा हुआ था इस बंदे को मैं मारूंगी क्योंकि मुझे मम्मी सेट पहनना है, तो इसलिए मेरी फुल कोशिश थी इसको मारने की भी। अभी देखना, ये मैं ऊपर आके बैठ गई ना, अब ये नीचे है, ये ऊपर आएगा तो इसके साथ हो जाएगा प्रैंक। इसको भी मैंने बहुत तेज़ी होके मारा था और इसको मारते साथ ही मेरा क्लच हो गया था पूरा। ये आखिरी बंदा था, सब ख़त्म हो गए। जानू नाम रखा हुआ था इसने। और फाइनली मुझे मेरा मम्मी सेट मिल गया। और यहाँ पे ऐसा हैवी बंदा आएगा ना यार, लेकिन उसको पता नहीं चल रहा होगा उसने करना क्या। ये देखो अभी अंदर जा रहे हैं, अभी अंदर आएगा इसको गोलियाँ पड़ जाएंगी। और इसके साथ ये हादसा हो गया कि ये मर गया। ये बेचारा डर गया था फुल जब इसको पहली गोली पड़ी थी ना। यहाँ पे इसकी भी फौत की होगी। यार अभी ना मुझे आगे बोट और असली बंदों के ना लड़ने की आवाज़ें आ रही थी, तो मैंने सोचा मुझे जाना चाहिए वहाँ पे, क्यों ना जाऊँ, मुफ्ती के किल छिल मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं आई, सबसे पहले मुझे ये नज़र आया, यार ये अरबी लोबी थी और बहुत हैवी लोबी थी, मिक्स थी, पाकिस्तानी भी थी अरबी भी थी। तो मेरा बहुत ज़्यादा डिले आ रहा था, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ कहाँ मेरा गंदे वाला डिले आया है। पहले तो यहाँ से आगे इस साइड से इसको प्री फायर में मैंने थोड़ा सा मारा और यहाँ पर फिर मैंने इसको फिनिश कर दिया। तो यार अभी मैं यहाँ से निकल जाऊँगी क्योंकि यहाँ पे और कोई बंदा नहीं था। आगे आएगा बंदा, मैं जा रही हूँगी ना, देखो जैसे मैं यहाँ पे जा रही हूँ, यहाँ पे मुझे बंदा नज़र आया। अभी मैं यहाँ से उतरी हूँ ना गाड़ी से, तो इसमें इतना कुछ डिले आया। पहले मैंने इसको कुचलने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ डिले आ रहा था बहुत गंदे वाला क्योंकि अरबी लोबी थी। बड़ी मुश्किल मैंने इसको जैसे तैसे करके मारा और मेरी SP देखो बिल्कुल ही लो हो गई थी। मैंने कहा ओपन में हील करने का कोई फ़ायदा नहीं होएगा, तो मुझे घर में जाके हील करना चाहिए, इसलिए मैं घर में आई और मैंने प्रॉपर हीलिंग की, किट लगाई और जूस पीवानों किया। और फिर मैं यहाँ से निकल गई क्योंकि और कोई बंदा यहाँ पे रह नहीं गया था। अभी ना ये बंदा शायद ऑफलाइन है, इसको मैंने ऑफलाइन बंदे को ही मार देना। अभी इसका टीममेट गुस्से में आ जाएगा फुल। अभी तो नहीं है ना, अभी इसका टीममेट नहीं है। अभी मैं गाड़ी लेके आगे जाऊँगी, अभी मैं घर के पास जाती जाऊँगी। इतनी ख़तरनाक फुटस्टेप्स आ रहे होंगे जैसे कि वो मेरी तरफ आ रहा है, तो मेरी तरफ आ ही रहा होगा, बल्कि लग नहीं रहा था, बल्कि वो देखो आ रहे मेरी तरफ मुझे मारने के लिए। यार इसको मैंने किया फिनिश। आप लोगों को पता है अभी ये बंदा चेक करना, ये वाला इधर ना कैसे इसकी लैग होके आगे गया है। मुझे लगा इतनी तेज़ी से लैग होके गया क्योंकि डिले आ रहा था अरबी लोबी थी, तो मुझे लगा दरख्त के पास जाके बैठ गया। मैं बड़े मज़े से दरख्त पे ना नेड कर रही हूँ, फिर उतनी देर में ना उसकी टेंडर नज़र आई मुझे। उसे टेंडर निकाली थी, वो पत्थर के पीछे था, दरख्त के पीछे नहीं था। और यार चेक करो उसकी फायरिंग की आवाज़ मुझे बाद में भी आ रही है, इसको मारने के बाद, उसके मरने के बाद इतना डिले है कि उसकी फायरिंग इतनी लेट आ रही है। तो शुक्र है वहाँ पर फोत हुआ। अभी ये भाई साहब को देखो, ये मुझे मारने की फुल कोशिश कर रहे थे। मैंने अपना आईपैड फुल ऐसे करके हिला दिया ताकि बस मर जाए, डिले आ रहा है, इसको गोलियाँ कनेक्ट हो जाएं, तो इसलिए मैंने अपना पूरा जेरो हिला दिया था ताकि फोत होए। तो फाइनली वो उसकी पेटी पड़ी हुई है, और ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इसकी पेटी ना लूटूँ। तो मैं इसकी जैसी पेटी लूटने लगी थी, इसका एक और टीम मेट मुझे मारने के लिए आ रहा था, इसको भी मैंने फिनिश किया और यहाँ मैंने भरपूर पेटी लूटी। यार ये देखो मेरे आते आते उसको शहीद कर दिया बेचारे को, मेरे सामने, मेरी नज़रों के सामने उसकी पेटी बन गई और मैं कुछ ना कर पाई। करना मैंने यही था कि मैंने उसकी पेटी बना देनी थी। बचाना थोड़ी था, ऐसी बात करी कि मेरा किल चोरी कर लिया। अच्छा इस घर में मैं आई हूँ, इस घर में मुझे बड़ा ही गंदा डैमेज मिलेगा। ये देखो सामने बंदे हैं, एक एक ये वाले को तो मैं मार दूंगी, अभी पीछे वाला भी है ना इसके, ये मेरे ऊपर देखो इसने नेड़ फेंका हुआ है। अभी बहुत गंदा डैमेज मिल जाएगा मुझे नेड़ से। और देखो मैं उसके सामने से निकल रही हूँ, मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि मैं क्यों निकली, और मैं यहाँ पे बहुत गंदा फोत भी हो सकती थी। तो मैंने यहाँ किट लगाई जल्दी से, मुझे उतनी देर में ना पीछे से आवाज़ आई कि पीछे बंदा है। मैंने वैसे ही ना नेट चला दिया दरख्त के पास कि अगर हुआ तो मर जाएगा, नहीं तो, क्योंकि मुझे पीछे से आवाज़ आई थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि दरख्त के पीछे ही हो सकता है। तो मैंने फुल कुक किया अपना नेट और बेचारे उसके ऊपर बरसा दिया और यहाँ पे इसकी फोत की हो गई चार्ली। अभी इसके टीम मेट आएंगे, वो भी मुझे मारेंगे। यार देखना यार, देखो यहाँ पे मुझे मौली ने भी धोखा दे दिया, इतना डिले गंदा आ रहा था। अभी देखो मैंने निशाने पे बिल्कुल उसके ऊपर जाके मैंने मौली फेंकी है, वो देखो
लेकिन ऐसा हुआ है कि वो मौली के ऊपर ही बैठा हुआ है, उसको कुछ हुआ ही नहीं, तो लकीली मेरी गोलियों से ये फौत हो गया बेचारा। तो यार इनका एक बंदा है ना, वो बैठा हुआ है विंडो पे, वो बाहर ही नहीं आ रहा था ना, मुझे मुझ पर रश कर रहा था, तो मैंने यहाँ पे ना स्मोक कर दी ताकि मैं आगे जा सकूँ, और ये देखना ये क्या करता है आगे से, ये ना मुझे मारने की कोशिश करेगा। यार ये बार बार झांकी जा रहा था, मुझे मारने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने कहा क्यों ना इसकी फौत की जाए, तो मैंने इसकी टिंड फोड़ी यहाँ पे और मैंने रश कर दिया जाके कि इससे पहले कि ये रिवाइव हो जाए। अभी देखना कितने मज़े से एक बंदा रिवाइव ले रहा होता है यार, ऐसे ही ऐसे कैसे यार, मतलब कैसे वो रिवाइव दे रहा होता है, आप लोग चेक करना। ये वाला बंदा ये गया है अपने टीममेट के पास, ये आराम से बैठ के रिवाइव दे रहा है अभी भी नहीं ला, अभी भी आराम से लगा हुआ है। मैंने कहा यार कोई इज्जत नहीं, यहाँ मैंने इन दोनों को फिनिश किया और इनकी मौत हो गई। यार इस बंदे को चेक करो, पता नहीं कहाँ भागी जा रहा है, अपनी ज़िंदगी से तंग है ये बेचारा, कभी कहाँ भी नीचे भाग गया है, अभी साइड पे भाग रहा है मैं इसके पीछे लगी हुई हूँ। अभी ये देखो ऊपर रिवाइव लेने जा रहा होएगा इसका टीममेट, बड़े मज़े से देखो ज़रा। अभी मुझे जैसे कि आवाज़ नहीं आ रही है कि तुम हील लगा रहे हो, और यहाँ मैंने इसको फौत किया पूरा का पूरा, यहाँ पे भी क्लच हो गया और बेध्यानी में मैं पीछे आ गई और पीछे से बंदा मुझे मार गया, और यहाँ पे ये मेरा गेम ज़ाया हो गया, बट किल अच्छे निकल आए थे। सो आप लोग अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।